हाय YouTube, दिस इज ऑन मोहम्मद एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोबिया की जो कि हर जगह बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इन है। इवन जितने लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस एनिमल से डर लगता है। और जैसे मैंने बात की कि फोबिया है, घरों में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ऐसा लाजमी होता है, हर घर में कोई एक, ये मेरी गारंटी है कि हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको इस एनिमल से फोबिया है। तो दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे एनिमल की जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसके बारे में आप लोगों को शायद नॉलेज ना हो और इसके बारे में लोग नॉलेज लेना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या ये एनिमल पेट हो सकता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम बात करेंगे लिजर्ड की। लिजर्ड्स में हमारे पास जो घरों में कॉमन लिजर्ड्स पाई जाती हैं, वॉल गेको भी कहते हैं, हाउस गेको भी कहते हैं इसे, वो एक छोटी सी लिजर्ड होती है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी लिजर्ड कौन सी हो सकती है? तो चलें चल के मिलते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिजर्ड। रेप्टाइल्स में, ज़्यादातर रेप्टाइल्स में एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, जितने भी लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं वो कैट्स, डॉग्स या कोई भी एनिमल रखते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम मेल रखें, क्योंकि मेल्स जो हैं वो एनिमल में ब्रॉड होते हैं काफ़ी। लेकिन रेप्टाइल्स में फीमेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और हैवी होती हैं। ये एक फीमेल मॉनिटर लिजर्ड है और ये हमारे पास थर्मोनिटर लिजर्ड, ये हमारे पास आई कहाँ से? जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनिमल रेस्क्यू करते हैं, हमारे पास एक जगह से रेस्क्यू की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया है। जब हमने जाके देखा तो ये बेचारी उसको बहुत छोटी सी थी, लेकिन ये हमारे पास क्या कर रही है, हमने इसको वापस जंगल में क्यों नहीं छोड़ा? इसका एक पैर, ये फिंगर आपको शायद नज़र आ रही होगी, और दूसरा इसका ये राइट वाला पैर जो है, एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया? ये पैर इसका डिसलोकेट है, लोगों ने डर के मारे, क्योंकि सब लोग इन चीज़ों से डरते हैं, इसको मार मार के इसको इतना ज़ख्मी कर दिया था कि ये अब बेचारी जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकती। हमने मिलके टीम मेंबर्स ने कोशिश कर करा के इसको इतना कर दिया कि ये सेट रहे। और मैंने इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमने इसकी ब्रीड भी ली है, हमारे पास इसने माशाल्लाह से अंडे दिए थे और उसमें से हमने कोशिश करके जितना हम कर सके हमने ये किया कि उसमें से कुछ बच्चे हमारे पास हैच हुए, जो हमारा प्लान ये है कि हम इन फ्यूचर इनको वापस वाइल्ड में रिलीज़ करेंगे ताकि इनका जो साइकिल है वो मेंटेन रहे। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि शायद इसकी स्किन जो है वो जगह जगह से थोड़ी सी उखड़ रही है। रेप्टाइल्स स्किन शेड करते हैं और ये प्लस पॉइंट होता है जब इनकी हेल्थ इंक्रीज हो रही होती है, साइज़ इंक्रीज हो रहा होता है तो ये शेडिंग करते हैं। इसके बारे में एक जो सबसे ख़तरनाक बात है कि इसका जो सलाइवा होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर डेड एनिमल्स खाते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में बनाई है, हर चीज़ का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये लिजर्ड जो है ये लोगों के जहन में सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा वेनमस होती है, ये वेनमस नहीं होती, इसके सलाइवा में माइनस का बैक्टीरिया होता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है, हमने इसको प्यार दिया, रिटर्न में आपके सामने है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल टेम है, हालांकि ये एनिमल्स इतनी आसानी से टेम नहीं होते। और जब से हमने इसको अपने पास रखा है इसने शायद कभी भी अटेम्प्ट भी नहीं किया काटने के लिए। हाँ ये ज़रूर है कि इसके नेल्स, आपको इसके नाखून नज़र आ रहे होंगे, इनके नाखून बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और सबसे मज़ेदार बात ये कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पुराने ज़माने में इसके बारे में एक मिथ मशहूर थी कि चोर यूज़ करते थे ये, हमने सोचा कि लोगों से पूछेंगे भाई कैसे चोर कैसे यूज़ करते, क्या हो गया अच्छा दफ़ा चोर इसको कैसे यूज़ करते थे, तो हमें ये पता चला कि चोर इसके यहाँ बांधते थे रस्सी और इनको फेंकते थे बिल्डिंग्स पे, ठीक है, और ये जब वहाँ चली जाती थी ये चिपक जाती थी, ये इतना वेट उठा सकती हैं कि इनके जो नेल्स हैं इनमें इतनी पावर होती है कि एक जगह अगर चिपक जाए तो ये एक बंदे का वेट उठा सकती हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैंने आपको बताया रेस्क्यू के लिए हम इधर उधर जाते रहते हैं, एक जगह से आपको अभी ये वाली आप क्लिप देखें आपको ये पता चलेगा कि एक मॉनिटर लिजर्ड कितनी जोर लगा सकती है। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लिप में देखा कि एक मॉनिटर को निकालते हुए हम लोगों को ऑलमोस्ट 4-5 बंदों की मेहनत लग रही थी, फिर भी वो इतनी आसानी से नहीं निकली। तो एक दफ़ा अगर ये ग्रिप कर ले तो इनको छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनका जो बैकबोन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनके पास कुदरती तौर पर कुछ वेपन्स होते हैं, एक तो ये कि इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इनके टीथ्स जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं,
और जिस तरह आपने देखा होगा वुड काटने वाली आरी जो होती है, आरी की तरह इसमें कैविटीज बनी हुई होती है। एक दफा ये काट ले, अगर इसका एक ब्रूटल अटैक हो तो एटलीस्ट स्टिचेस लगते हैं, बहुत जोर से काटती है। प्लस ये कि अगर एक दफा ये बाइट कर ले गुस्से में आके, या कोई जंगली मॉनिटर है वो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसने आपको बाइट कर लिया, तो इतनी आसानी से ये छोड़ती भी नहीं है। सेकंड वेपन इसका है इसकी टेल। अगर एक फुली ग्रोन मॉनिटर लिजर्ड जोर से टेल मारे तो ये एटलीस्ट अगर आपकी हड्डी पे मारे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बोन्स भी ब्रेक हो सकती हैं, यानी कि जिस तरह बोलते हैं ना कि बाल पड़ गए, ये बहुत जोर से मारती हैं। मैंने जो है एक दफ़ा ये दुम भी खाई है इसकी, बहुत ज़ोर से मारती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारती है। लेकिन आपको पता है मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उनको पता है कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, लिहाजा वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। एक मिनट भैया जरा, जो बहुत सारे लोग हमें देख के ये कहते हैं कि हमने भी ये एनिमल रखे हैं, लेकिन हम ये लोगों को रेफर करते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड में ही रहें तो ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी नेचर के लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा है कि ये वाइल्ड में ही रहें। ये एनिमल्स ख़तरनाक साबित हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये हमने अपने पास एक पर्पज़ के लिए रखी हुई है कि मैं चाहता हूँ मैं इसकी ब्रीडिंग करवाऊँ और जो इनके बच्चे होते हैं वो वाइल्ड में रिलीज़ करूँ, क्योंकि ये वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसकी टेक केयर कैसे की जाती है, यानी हमारी रूटीन क्या है, हम इसको खाना कैसे खिलाते हैं, इसको नहलाना भी होता है, इसका एक तो हमारा नॉर्मल बाथ होता है जो ये हम इसको एक इसके टब में छोड़ देते हैं, पानी में नहाती है, दूसरा जो है एक सन बाथ होता है, हम इसको सन बाथ कैसे देते हैं, हम इसको खाना कैसे खिलाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने एनिमल्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चले कि एक ये जीता जागता डायनासोर इसकी टेक केयर कैसे की जाती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अपना बहुत बड़ा लॉस किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बराबर में एक अदद बटन है, उसको दबाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट कभी भी स्किप ना हो। थैंक यू सो मच।